के बाद अब क्रिकेट फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं आईपीएल का। इंडियन प्रीमियर लीग 2024 की शुरुआत से पहले इस महीने की 19 तारीख को दुबई में खिलाड़ियों की नीलामी होनी है। सभी 10 फ्रेंचाइजीज टीमों के साथ ही फैंस को भी आईपीएल के मिनी ऑक्शन का बेसब्री से इंतजार है। आईपीएल के मिनी ऑक्शन के लिए 1166 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, जिसमें 830 भारतीय खिलाड़ी भी शामिल हैं। हालांकि ऑक्शन के लिए कुल 70 स्लॉट्स खाली है, जिनमें विदेशी प्लेयर्स की संख्या 30 रहेगी। चलिए ऑक्शन से पहले आपको बताते हैं पर्स में सबसे ज्यादा रकम किस टीम के पास है। आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोर। आपको बताएंगे किस फ्रेंचाइजी के पास पर्स में कितनी रकम है, कितना पैसा है, किस टीम को सबसे ज्यादा खिलाड़ी खरीदने हैं, कौन से खिलाड़ी सबसे ज्यादा महंगा बिकने की दौड़ में आगे हैं। आईपीएल रिटेंशन के बाद अब वो लिस्ट सामने आ गई है, जिससे पता चले कि किस टीम के पास इस वक्त कितने खिलाड़ी हैं और कितने स्लॉट बाकी हैं। आईपीएल 2024 के ऑक्शन की तैयारी अब शुरू हो रही है। हालांकि इसके होने में अभी काफी दिन बाकी हैं, लेकिन इससे पहले सभी 10 टीमों ने अपने अपने रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट जारी कर दी है। अब सभी टीमों के रिटेन प्लेयर सामने हैं। इससे साफ हो गया है कि कौन कौन से खिलाड़ी अपनी पुरानी टीम में ही बने रहेंगे। हालांकि जो खिलाड़ी छोड़े गए हैं वो भी अपनी पहले वाली टीम में आ सकते हैं, लेकिन उन्हें ऑक्शन में आना होगा। इसके लिए जो टीम ज्यादा कीमत लगाएगी वो उसके साथ चला जाएगा। इस बीच अब जबकि रिटेंशन को हो गया है फैसला सारा, और इसको समझना भी होगा कि इस बार कौन सी टीम ऐसी होगी जिसे सबसे ज्यादा खिलाड़ी खरीदने होंगे और कौन सी टीम के पर्स में सबसे ज्यादा पैसे हैं। आईपीएल की दो बार की चैंपियन टीम केकेआर के नए मेंटर गौतम गंभीर बन गए हैं। इससे पहले 2 साल वे एलएसजी से जुड़े हुए थे और उनकी टीम प्लेऑफ तक पहुंची थी, लेकिन टीम टाइटल नहीं जीत पाई। कोलकाता नाइट राइडर्स ने गौतम गंभीर की कप्तानी में ही 2 आईपीएल खिताब अपने नाम किए थे, लेकिन केकेआर वो टीम है जिसने सपने अपने सबसे ज्यादा खिलाड़ी इस बार रिलीज कर दिए हैं। यही कारण है कि इस बार के ऑक्शन में उसे ही सबसे ज्यादा खिलाड़ी खरीदने होंगे। आईपीएल का नियम है कि सभी टीमें अपने स्क्वाड में कम से कम 18 और ज्यादा से ज्यादा 25 खिलाड़ी रख सकते हैं, और इस वक्त केकेआर के पास महज 13 खिलाड़ी हैं, जिसमें 4 विदेशी खिलाड़ी हैं। अगर टीम 25 का स्क्वाड पूरा करती है तो उसे 12 और खिलाड़ी खरीदने होंगे, जो इस बार के ऑक्शन में सबसे ज्यादा होगा। टीम के पर्स में 32,07,00,000 रुपए बाकी हैं, जो ठीक ठाक रकम आप कह सकते हैं। अगर बाकी टीमों की हम बात करें तो सीएसके के पास 19 खिलाड़ी हैं, उनके पास केवल 6 स्लॉट बाकी हैं। दिल्ली कैपिटल्स के पास 16 खिलाड़ी हैं और उनके पास 9 जगह भरने के लिए बाकी हैं। गुजरात टाइटंस ने अपने कप्तान रहे हार्दिक पांड्या को वापस मुंबई इंडियंस भेज दिया है, इसलिए उनके पास 17 खिलाड़ी हैं और केवल 8 ही जगह खाली हैं। केएल राहुल की कप्तानी वाली एलएसजी ने काफी कम खिलाड़ी रिलीज किए हैं, इसके लिए उनके पास अभी 19 खिलाड़ी हैं। अगर वे अधिकतम की सीमा तक जाना चाहते हैं तो केवल 6 और खिलाड़ी उनको चाहिए। मुंबई इंडियंस के पास 17 खिलाड़ी इस वक्त हैं, उन्हें 8 और खिलाड़ी चाहिए। पंजाब किंग्स के पास भी 17 ही खिलाड़ी बाकी हैं। आरसीबी के पास तो 19 खिलाड़ी हैं जो रिटेन हुए हैं, उन्हें भी 6 और खिलाड़ी चाहिए। आरआर यानी कि राजस्थान रॉयल्स के पास 17 खिलाड़ी पहले से ही हैं और उन्हें केवल 8 और प्लेयर्स चाहिए। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद ने भी अपने पुराने खिलाड़ियों पर भरोसा जताया है, उनके पास 19 खिलाड़ी हैं और रकम भी 34,00,000 की बाकी है उनके पर्स में। इस बार रिलीज किए गए खिलाड़ियों की भी खूब चर्चाएं हो रही हैं। इंग्लैंड के दिग्गज ऑलराउंडर खिलाड़ी बेन स्टॉक्स ने आईपीएल 2024 से पहले रिलीज किए जाने वाले सबसे महंगे खिलाड़ी बन चुके हैं। चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2023 के ऑक्शन में स्टॉक्स को 16.25 करोड़ में खरीदा था, लेकिन रिलीज कर दिए गए हैं। रिलीज किए गए 5 सबसे महंगे खिलाड़ी आपको हम बताने जा रहे हैं। इनमें सबसे पहले बेन स्टॉक्स 16,25,00,000 रुपए कीमत चेन्नई सुपर किंग्स ने लगाई थी। हेरी ब्रूक है जिनको खरीदा था 13,25,00,000 रुपए में सनराइजर्स हैदराबाद ने। शार्दुल ठाकुर को 10,75,00,000 रुपए देकर कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा था। वनिंदु हसरंगा 10,75,00,000 रुपए
देकर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने खरीदा था। हर्षल पटेल को भी 10 करोड़ से ज्यादा की कीमत दी थी, 10 करोड़ 75 लाख रुपए लगाए थे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने। लेकिन ये पांचों बड़े खिलाड़ी रिलीज कर दिए गए हैं। रिटेंशन के बाद हर फ्रेंचाइजी के पर्स में कम से कम 13 करोड़ रुपए बाकी हैं। आईपीएल ऑक्शन 2024 का आयोजन 19 दिसंबर को दुबई में होना है। इससे पहले किस फ्रेंचाइजी के पर्स में कितना पैसा बाकी है ये भी जानना बेहद जरूरी है। आपको बताते हैं, सबसे पहले बात करते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स की। इनके पास 13 करोड़ 15 लाख रुपए हैं। राजस्थान रॉयल्स के पास 14 करोड़ 5 लाख रुपए हैं। मुंबई इंडियंस के पास 15 करोड़ 25 लाख रुपए हैं, जबकि गुजरात टाइटंस के पास 13 करोड़ 85 लाख रुपए हैं। दिल्ली कैपिटल्स के पास ये रकम है 28 करोड़ 95 लाख। पंजाब किंग्स के पास 29 करोड़ 1 लाख रुपए, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स के पास 31 करोड़ 4 लाख रुपए हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स के पर्स में 32 करोड़ 7 लाख रुपए हैं। सनराइजर्स हैदराबाद के पास 34 करोड़ रुपए इस बार पर्स में है। मिनी ऑक्शन से पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के पास 40 करोड़ 75 लाख रुपए इस बार इस मिनी ऑक्शन में है। तो इसके आधार पर ही टीमें अपनी बोली लगाएंगी, किस खिलाड़ी को रखना है, किसको नहीं रखना है। फ्रेंचाइजीज ऑक्शन के दौरान खिलाड़ियों पर पैसा खूब लुटाने जा रही हैं। आरसीबी ने रिटेंशन डे पर जोश हेजलवुड, हर्षल पटेल और वानिंदु हसरंगा समेत कुल 12 प्लेयर्स को रिलीज किया था। नीलामी में गुजरात टाइटन्स सबसे ज्यादा पैसों के साथ उतरेगी। टीम के पर्स में 38.15 करोड़ रुपए हैं। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स को सबसे ज्यादा 12 खिलाड़ियों की जरूरत है। ऑक्शन के लिए 1166 खिलाड़ियों के नाम है। फैंस ये जानना चाहते हैं कि ऑक्शन में कौन कौन से बड़े खिलाड़ी शामिल होंगे। आईपीएल 2024 की नीलामी के लिए 1166 खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। हम आपको बता चुके हैं इसमें मिचेल हैं ट्रैविस हेड के साथ, इसके अलावा शार्दुल ठाकुर हैं, उमेश यादव जैसे भारतीय खिलाड़ियों के नाम इसमें शामिल किए गए हैं। तो इन पर कितना पैसा लगाया जाएगा ये देखना होगा। ऑक्शन टेबल पर इनका ही नाम आएगा। हार्दिक को अपने साथ करने के लिए मुंबई इंडियंस ने गुजरात टाइटंस को 15 करोड़ का भुगतान किया है, एक मोटी रकम आप इसे कहेंगे। ये आईपीएल के इतिहास का सबसे बड़ा प्लेयर ट्रेड रहा। रोहित शर्मा की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस की टीम के पास हार्दिक पांड्या को वापस लाने के लिए पर्स में पर्याप्त पैसे भी नहीं बचे थे। ऐसे में मुंबई इंडियंस ने कैमरन ग्रीन को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के हाथों ट्रेड कर दिया। मुंबई इंडियंस ने पिछले आईपीएल नीलामी के दौरान 17 करोड़ 50 लाख रुपए बोली लगाकर कैमरन ग्रीन को खरीदा था। अब मुंबई ने हार्दिक पांड्या को अपने साथ जोड़ने के साथ साथ ग्रीन को छोड़ दिया है। ग्रीन को ट्रेड करने के चलते मुंबई के पर्स में 17 करोड़ 50 लाख रुपए आए हैं, जिसने हार्दिक पांड्या की वापसी का रास्ता भी साफ कर दिया। ऑस्ट्रेलिया की वनडे विश्व कप विजेता टीम के 7 खिलाड़ी पैट कमिंसन, ट्रैविस हेड, मिचेल स्टार्क, जोश हेजलवुड, स्टीव स्मिथ, जोश इग्लिस और शॉन एबॉट उन 25 खिलाड़ियों में शामिल हैं जो 2024 आईपीएल की नीलामी में हिस्सा लेंगे। विश्व कप में 106 के स्ट्राइक रेट से 578 रन बनाने वाले और 5 विकेट लेने वाले न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर रचिन रविंद्र ने अपना बेस प्राइस इस बार मिनी ऑक्शन में रखा है 50 लाख रुपए। सबसे ज्यादा बेस प्राइस की लिस्ट में कई देशों के महत्वपूर्ण खिलाड़ी शामिल हैं। इनमें दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज गेराल्ड कॉट्रिज शामिल हैं, जो विश्व कप में अपनी टीम के सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज थे। इसके अलावा सनराइजर्स हैदराबाद द्वारा रिलीज किए गए बल्लेबाज हैरी ब्रूक, आरसीबी द्वारा रिलीज किए गए हर्षल पटेल, केकेआर से रिलीज होने वाले शार्दुल ठाकुर, उमेश यादव और आरसीबी से रिलीज हुए केदार जाधव जैसे जो बड़े नाम है वो इस बार शामिल है। जो फ्रेंचाइजीज हैं 10 उसमें 17 स्लॉट है, 10 फ्रेंचाइजीज के पास यानी 17 स्थान भरने होंगे, जिसमें से 30 खिलाड़ी विदेशी हो सकते हैं। हाल ही में विश्व कप में बेहतरीन फॉर्म में दिखे स्टार्क, हेड और रविंद्र पर फ्रेंचाइजीज बड़ी बोली लगा सकती हैं। अगर स्टार्क को खरीदा जाता है तो वो 8 साल बाद आईपीएल में वापसी करेंगे। उन्होंने आखिरी बार आरसीबी का 2015 का सत्र खेला था, 2018 की नीलामी में प्रवेश किया था जहां उन्हें केकेआर ने 9 करोड़ 4 लाख रुपए देकर खरीदा था, लेकिन चोट की वजह से सीजन से बाहर हो गए थे। स्टार्क हालांकि इस बार आईपीएल का इस्तेमाल जून में होने वाले 2024 T20 वर्ल्ड कप की तैयारी के रूप में देख रहे हैं। आईपीएल फ्रेंचाइजीज को 1166 खिलाड़ियों की लिस्ट सौंपी गई है और अब देखना होगा कि किस तरह से कौन सी फ्रेंचाइजी किस खिलाड़ी पर कितना मोटा पैसा लगाती है।
नियमों के मुताबिक खिलाड़ियों की ट्रेडिंग विंडो आईपीएल सीजन की समाप्ति के एक महीने बाद शुरू होती है, फिर वही नीलामी की तारीख से एक हफ्ते पहले तक खुली रहती है। नीलामी के बाद ट्रेडिंग विंडो पर फिर खुलेगी और यह अगले सीजन की शुरुआत से एक महीने पहले तक जारी रहेगी। इसलिए ट्रेडिंग विंडो फिलहाल 12 दिसंबर तक खुली है, वहीं नीलामी 19 दिसंबर को होगी। नीलामी के बाद 20 दिसंबर को ट्रेडिंग विंडो फिर से खुलेगी। आने वाले दिनों में कुछ और खिलाड़ियों का ट्रेड हो सकता है।